जल्दी अभी खा लो, खाओ। क्या है बूढ़ी को झूठे सूचे हाथों से खिलाते रहती है गंदे फंदे हाथों से। बूढ़ी चल खड़ा हो तो चीखो, यहाँ से आज से बात नहीं मेरे बच्चों को हाथ लगाना गंदे फंदे हाथों से। ले बूढ़ी रोटी खा ले, सब्जी तो ले आने दे। सब्जी सब्जी नहीं है यहाँ, पानी खा। रुकी का से लो खाऊं मैं, इकरी खा ले यहाँ सो पूरे करो। रुक के कास के लो खाऊं, इकरी खा ले। सब सब्जी नहीं आया, इकरी खा ले। खड़ा हो चुकू बेटा यहाँ से, तो भी इस बूढ़ी के पास मत बैठ। रोटी कास के लो खाऊं या ऐसी खा ले। मम्मी दे दो रोटी, कुछ नहीं है सब सब्जी। चल काम कर, खाने खा खा चुकूगा। सब सब्जी ने बनती है, चल तू खाना खा ले बेटा। आ जा बेटा, खाना खाओ। दादी दादी मम्मी बड़ी खराब है ना। हाँ। पापा को बोलेंगे शाम को। रोटी दे, रोटी दे, सब्जी दे दी है ना, रोटी दे। पापा को बोलेंगे शाम को। बोल दिए फिर, रोटी नहीं मिलती मैंने, फिर मैं क्या करूं? फिर रोटी दे दे या सब्जी दे दे, बस रोटियां दे दे या। पापा को बोलेंगे शाम को फिर। बोल दिए भी, मैं बोलूं कि तो जो मर्जी बोलेंगे, पर बोलेंगे। अच्छा ये ना, जब शाम को तब पापा को बोलेंगे। बेटा क्या बोलना, अभी लड़ाई पड़ जाएगी फिर। चलो कुछ नहीं होता, मैं कभी तो बुरा लगता है तब आपको रोटी नहीं, फिर रोटी तो देंदी नहीं भी ना, सब्जी दे दे, सब्जी दे दे, रोटी नहीं देंदी। जब उस पर बोलेंगे फिर लड़ाई होगी घर में, उसका मार आएगा। दादी मेरे को भी तो बुरा लगता है आपको। बुरा तो लगा, फिर क्या करा, अभी फिर लड़ाई होगी घर में। गुड मॉर्निंग। और शिको बेटा कैसे हैं? पापा एक बार बताओ। मम्मी ना दादी को ठीक से रोटी भी नहीं देते ना सब्जी देते हैं, उनकी भूख भी नहीं मिटती। सच बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, अभी करते हैं तुम्हारी मम्मी से बात। मीनू। हाँ जी। क्या बोल रहा है चीकू? क्या बोल रहा है? तुम आगो रोटी क्यों देती? देती हूँ मैं रोटी क्यों देती मम्मा को? अच्छे से खाना खाते हैं फिर ऐसे चिड़ा करने जाता है बूढ़ी को। ये चीकू झूठ बोल रहा है क्या? कब नहीं दी मैंने खाना उसको? सच्ची में पापा? नहीं मैं सब्जी के साथ खाना देती हूँ, अभी तब देती हूँ बूढ़ी को, तो आता ऐसे बोल लेगी। लगता है बूढ़ी का भी दिमाग खराब हो गया ना। मैं बूढ़ी को खाना देती हूँ जैसे बनाती हूँ, अपना बूढ़ी को खाना देती हूँ, सब्जी भी देती हूँ, फुलके भी देती हूँ, उसको आता है बूढ़ी को बोल लेगी झूठ से। मैं दादी के साथ बैठा था, हमने ना रोटी भी दो दी थी बासी और सब्जी भी नहीं दी थी। नहीं झूठ बोल रहा है ये भी, दादी की बात भड़काती है दादी इसको। सच बोल चीकू। दादी भड़काती है इसको, अपने पास बैठाती है, इसको खिलाती है और अपने दादी की बात पे बैठते हैं, झूठ बोलती है इसको भी सिखाती है झूठ बोलना। मैं भी तो बैठा था, झूठ बोल रहा है दादी की बात पे बैठा, लड़ाई कमाने के बाद भी लड़ाई पड़ेगी ऐसी है वो। दादी मम्मी दादी किधर है? दादी पेंशन लेने गई बेटा। अच्छा गई वो पेंशन लेने। ले बच्चे मन्नू फिर संडे ले लिया, 100 रुपया दे दे मन्नू। अच्छा क्या करेगी 100 रुपया का बुड्ढे? यहाँ दे 100 रुपया, क्या करेगी? चल काम कर, 100 100 लिया यहाँ से। क्या कितने अच्छे से खाना देते, फिर कैसे बोलते? चल काम कर अपना। यार अब तो मैं परेशान हो गया, एक तो पापा मम्मा की लड़ाई और पापा मम्मा दादी को खाना भी नहीं देते और पापा मम्मा की बात में आ जाते हैं। अब किसको फोन करूं मैं? बूजी को कर लेता हूँ, क्या आप तो वो सॉल्यूशन दे दे इस बात का। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग बूजी। आपको एक बात बताऊं? मम्मा को ना बताना वरना मम्मा मेरे को मारेंगे। आप ना मम्मा ना दादी को अच्छे से खाना भी नहीं देते और बासी रोटी दे देते हैं और सब्जी भी नहीं देते। पापा को बोल दे बेटा। पापा पापा भी यूँ कहते हैं, पापा यूँ कहते हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं तू तो। चलो कोई नहीं बेटा, पापा को बोल आपने? हाँ जी बेटा, ठीक है बूजी, ठीक है।
गुड इवनिंग बेटा। और ठीक है बेटा? अच्छा और है? हाँ है। बैठे बैठे और ठीक है ज्योति गर्मा? हाँ ठीक है भाभी। अच्छा ठीक ठाक है? हाँ बढ़िया है। ठीक है? हाँ जी ठीक है। अच्छा चल मैं पानी लेके आऊँ, बैठो आप। अच्छा ठीक है भाभी। ठीक है भाभी। हाँ ठीक है। और भाई कहाँ जा रहे? भाई तो काम पर जा रहे हैं। और मम्मी नहीं दिख रही कहीं? मम्मी पता नहीं बाहर हुई कहीं। हम्म, देखी तो है नहीं है बाहर। आपका एकदम अचानक किया ना? बस आ गए थे, मन कर गया था आने का भाभी। हाँ। मैं चल मिल का वहाँ। अच्छा हाँ जी। मैं भी कह रही मैं पास तो लगने एकदम अचानक आए, फोन भी बात भी नहीं करी वहाँ। हाँ बस फिर मैंने कहा चल मम्मी और मिली हूँ भाई। अच्छा ठीक है। नमस्ते मम्मी। अरे बुआ जी। हाँ बेटा। इस बात के लिए मैंने आपको बुलाया था, वो तो पूछ लो दादी से। अच्छा हाँ मम्मी, क्या बात हुई थी मम्मी? चीकू ने फोन किया था मेरे पास। मन रोटी नहीं दे भी। क्यों? पता नहीं भी, कभी सब्जी दे दे या रोटी दे दे या सब्जी दे दे, रोटियां दे दे। फिर आपने भाई नु नहीं बताया? ना बस क्लेश होगा घर में, क्या फायदा। अच्छा चल मैं देखूंगी बात करके मम्मी। फिर मैंने तो इन मना करा था किसी ने। अच्छा हाँ इसने फोन करा था चीकू ने मेरे पास। चीकू कहा था अभी पापे पा बताइयो डैडी पा। अच्छा मैं बताना नहीं, क्लेश हो जाएगा। अच्छा पिंशन भी सारी दे दी है। अच्छा फिर वो तो गलत बात है मम्मी, दे दियो नहीं है रोटी अगर। अच्छा भाई आवागा मम्मी शाम को, फिर मैं उससे बात करके देखूंगी। आ फिर बात तो कर लेगी तो, यूं तो चीकू भी कह रहा था। हाँ जी चल देखूंगी करके बात। बताइए ना माखा क्लेश होगा। अच्छा मम्मी। हाँ बकलेश ना करवाई दियो ना मम्मी। नमस्ते भाई। नमस्ते। और चीकू ठीक है? और ठीक है ना सब घर? हाँ ठीक है भाई, सब ठीक है। आप भी ठीक हैं? और कब आए? मैं कल आई थी भाई। हाँ जी हाँ जी ठीक है। चीकू ने फोन किया था ये भाभी, मम्मी ने रोटी रखी नहीं दी है चीकू, और मम्मी ने फिर मैंने बात भी करी थी भाभी ने, समझाइयो आप। अच्छा ना ये बात तो इसी पहले भी, पर खाना तो देते हैं आपको? नहीं कहाँ दिया मम्मी को, कभी सब्जी देते कभी ऐसी रोटी दे देते उसको। अरे बुढ़िया भी कम नहीं है, उम्र ज्यादा हुई उसकी, उसका दिमाग ऐसी हो गया उसको पता नहीं है कुछ। अच्छा अभी उसने मम्मी ने रोटी राटी मैंने समझाई भी है, आप समझा कर देखियो इसनु दिंदी नहीं है। अच्छा चल कोई नहीं, बोल दूंगा मैं। हाँ? क्या कह रही ज्योति? क्या कह रहे? क्या अभी मम्मी को खाना दें दे आप टाइम से? खाना मम्मी को कहाँ दे, वहाँ रूखी रोटी दे रखी थी मैंने कल। देख कल चीकू ने फोन किया था मेरे पास की मम्मा रोटी लेके हमारी लिए कहीं आती है हो? कहीं नहीं मम्मी बेचारी भूखी रहती है, सारी पेंशन के रहती है मम्मी, पेंशन के पैसे आए सारे ले लिए उसके पैसे भी। पेंशन मम्मी को बात कह रही है टाइम से मम्मी को खाना मिलता है। हां पूछो मम्मी से जरा, मम्मी भी आ। और फिर मम्मी ने खाना नहीं दिया तुमने टाइम से बेचारी ने। क्यों दिया खाना मैंने मम्मी ने? मम्मी ने फोन चीकू से फोन करवाया था मम्मी। चीकू तो बात तो मिला था, झूठ बुलवाते हैं चीकू से। मेरे चीकू भी झूठ बोला मैंने कल मैं यहाँ पे आई तब मैंने देखा था मम्मी ऐसी सूखी रोटी खाने लग रही थी। अगर ज्यादा परेशानी है ना मम्मी को साथ ले जाओ, मेरे पानी सूख दिया है स्वादिष्ट ले जाऊंगी फिर मम्मी को। ज्यादा गर्म खाना तो ले जाओगे उसको? हाँ पूछ लो मम्मी से बात करेंगे अभी। आओ अपनी मम्मी को ले जाओ साथ, अगर ले जाओ मेरे पास ऐसी बढ़ती मैं ऐसे दूंगी उसको। पेंशन के पैसे भी आपने सारे ले लिए उससे? लेते तो है पैसे, देते ना उसको पैसे, खर्चा नहीं करती है वो। और मम्मी बेचारी रोने लग रही थी कल। मम्मी का तेरे ड्रामे करने की आदत है, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो ले जा मम्मी को साथ। हमारे में नहीं चिंची होती रोज की, ले जाऊंगी मैं मम्मी को अपने साथ। है हम मम्मी को फैसला करने तो यहाँ पे। मम्मी चलो आप मेरे साथ चलो, मेरे घर रहना आपने, कपड़े तैयार कर लो और चलो मेरे साथ। नहीं बुआ जी मेरे को भी याद आएगी मम्मी की। नहीं बेटा जब आपको मम्मी की याद आएगी तो आप वहाँ पे आ जाना मिलने। बेटा न्यून जाय कर देती है करा। नहीं मम्मी फिर क्या हो गया, बेटा बेटी तो एक समान होते हैं मम्मी। हाँ जी नहीं चलो आप मेरे घर चलो, आप वहीं रहना मेरे पास ही चलो।
बस 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 बेटे और ठीक हाँ ये कौन है चौधरन लगा मैनू। अच्छा राम राम जी चौधरन। चल अच्छा चल कोई नहीं जाओ बेटे ले जाओ करा जाओ करा आ जा। यो चौधरन किंगा यो करा ना ये घर के गाड़ियां देवा थे मारा थे। अच्छा रोटी नहीं देवा थे। अच्छा मैंने अपने साथ लिया। अच्छा चल कोई नहीं दिक्कत मत चल कोई नहीं ठीक करया तुमने बेटी और छोकरा जवाई भी तो बच्चा बराबर होवा ले आए थे हम ठीक करया मनु कोई इतराज नहीं इस बात का रहो आराम से कोई नहीं ठीक करया थाने बेटा और बेटी तो बराबर हो अगर बेटा नहीं माँ बाप की केयर कर रहा देखभाल कर रहा तो बेटी कर दे कोई जुलम नहीं होता और जवाई भी बेटा जैसे वहाँ कोई बात नहीं हो ठीक करया थाने जाओ खाओ रोटी रोटी खिलाओ आराम से रहो ठीक है। तो गाइज इस वीडियो से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर किसी भी स्तर पे प्रॉब्लम आ जाए बेटे की जगह अगर बेटा केयर ना करे पेरेंट्स की तो बेटी भी कर सकती है। तो गाइज बताना ये वीडियो कैसी लगी लाइक करना शेयर करना और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।